लिए किसे कास्ट किया गया है, किस रोल में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़, और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर के अपकमिंग सीक्वल वॉर 2 के बारे में। वॉर मूवी का प्राइम एस्पेक्ट या फिर कहीं मेजर एक्स फैक्टर था मूवी में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का एक साथ होना और आमने सामने भी, लेकिन क्योंकि वॉर मूवी में ही टाइगर के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, तो इस वजह से वॉर 2 में टाइगर की एंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे हैं। दूसरी तरफ टाइगर का तो कहना है कि अगर उन्हें एक बैकग्राउंड डांसर का भी रोल मिला तो वो उसे भी खुशी खुशी निभाएंगे। टाइगर श्रॉफ के रिगार्डिंग मेकर्स ने बताया है कि उनके पास टाइगर को लेकर एक काफ़ी शानदार सरप्राइज है, जिससे वो फॉर द टाइम बीइंग सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है कि हमें विलन के रूप में एक नया कैरेक्टर मिलने वाला है, जिसके लिए मेकर्स द्वारा एक्टर भी फाइनलाइज कर दिए गए हैं। अब जहां ऋतिक वर्सेस टाइगर एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल थी बिफोर मूवी, वैसे ही मेकर्स दोबारा वैसी हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, और इस मूवी में ऋतिक के अगेंस्ट फाइनलाइज किया गया है बाहुबली स्टारर प्रभास को। वैसे प्रभास और ऋतिक अब तक किसी भी प्रोजेक्ट में साथ नजर नहीं आए हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये दोनों कॉमन हैं। हम बात कर रहे हैं बाहुबली मूवी के बारे में। आज हम सभी जानते हैं कि बाहुबली मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरीज मूवीज में से एक है, और इस मूवी के लीड एक्टर थे प्रभास, लेकिन वो इस फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थे, बल्कि मूवी के लिए बाहुबली के रोल में सबसे पहले ऋतिक रोशन को ही कास्ट किया गया था। लेकिन ऋतिक को ये रोल रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि उस वक्त वो किसी और मूवी प्रोजेक्ट में बिजी थे। कुछ ज़्यादा ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई शायद, बट नेवर माइंड, सभी को ही प्रभास की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और अब प्रभास और ऋतिक दोनों ही एक साथ और आमने सामने नजर आने वाले हैं वॉर 2 में। इन दोनों एक्टर्स की प्रेजेंस ही मूवी को हाई हाइप देने के लिए काफ़ी है, लेकिन मूवी परफॉर्म कैसा करेगी और वॉर की लेगेसी को मेंटेन रख पाएगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है इस मूवी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? अपनी अपनी प्रेडिक्शन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आखिर क्यों मेकर्स का इंटरेस्ट आया प्रभास को कास्ट करने में, इसके बारे में हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक खुश रहें और सेफ रहें।